Facebook question from Satish Dhabade. What are your party's views on the reservation policy, SC/ST, and also about women and minority reservation in education, public and the private sector? देखिए एक चीज हम लोगों को माननी पड़ेगी हमारे देश के अंदर समाज का एक तबका है जिसको सदियों से छुआछूत का सामना करना पड़ा नाउ एविडेंस शोज कि जिन-जिन उन उस तबके में जिन-जिन लोगों को रिजर्वेशन मिला उनके परिवार और उनके आसपास के परिवारों को उससे फायदा हुआ तो रिजर्वेशन तो होना चाहिए हमारे हिसाब से इन लोगों के लिए लेकिन उसके साथ मैं एक दिन कैलकुलेट कर रहा था पूरे देश में अगर हम देखें तो 2 लाख के करीब नौकरियां साल में निकलती हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सारे मिला के जिसमें रिजर्वेशन का फायदा मिलता है इस तबके के लोग लगभग 20 से 25 करोड़ लोग हैं जो इस तबके से आते हैं आप ये 2 लाख नौकरियां दे के 20-25 करोड़ लोगों तक कब तक पहुंचोगे 100 साल भी पूरे नहीं पड़ेंगे तो ये केवल रिजर्वेशन होना चाहिए लेकिन रिजर्वेशन से काम नहीं चलेगा तो हमारा ये कहना है एक ही चीज़ है जो इन एक जनरेशन के अंदर सबको ठीक कर सकती है वो है शिक्षा आज दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं मेरा अपना ये मानना है कि अगर एक परिवार में किसी को रिजर्वेशन मिल जाए और बेनिफिट मिल जाए तो फिर रिजर्वेशन के बेनिफिट्स दूसरे परिवारों को मिलने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा ये रिजर्वेशन का जो है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके तीसरी चीज मैं उत्तर प्रदेश बिहार इसके कई गाँव में गया था कई लोगों को ये लगता है कि अब छुआछूत खत्म हो गए छुआछूत अभी भी उतनी ही है जो हम कहानियों में पढ़ा करते हैं शहरों में हमें कम नज़र आती है शहरों में भी बहुत है वहाँ पे टोले हैं गांव में गांव के बाहर टोले हैं ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग वहाँ पे रहते हैं आज भी कुएं से उनको पानी नहीं निकालने दिया जाता आज भी अगर परछाई पड़ जाए तो लोग उनको उसको अपशकुन मानते हैं उस टोले में रहने वाले आदमी को उसको तो ये पता ही नहीं है रिजर्वेशन किस चिड़िया का नाम है उस तक रिजर्वेशन कब पहुँचेगा पता ही नहीं उसको फायदा कैसे हो सकता है अगर उसके गांव के स्कूल के अंदर शिक्षा अच्छी हो जाए अगर हम देश में सारे सरकारी स्कूलों में शिक्षा अच्छी कर दें एक जनरेशन के अंदर वो डेवलपमेंट जो है उसके घर में भी पहुंच जाएगा और उसके बच्चे अगर ठीक से पढ़ लिख गए तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो सबको समान स्तर पर एक जनरेशन के अंदर ला के खड़ा कर सकती है रिजर्वेशन के साथ साथ मुझे लगता है हमें शिक्षा के ऊपर तुरंत एक क्रांति पूरे देश के अंदर लानी पड़ेगी और अगर ये हो गया मुझे पूरा यकीन है एक जनरेशन के बाद यही लोग खड़े होकर कहेंगे अब हमें रिजर्वेशन नीचे हम आपके बच्चों के साथ खड़े होकर कंपटीशन करना चाहते हैं लोग तो तैयार हैं वो स्कूल्स की बुरी हालत हो सरकार ने कर रखी है अब दिल्ली सरकार के मंत्रियों के खुद के प्राइवेट स्कूल चलते हैं तो वो सरकारी स्कूल क्यों चलाएंगे ठीक करेंगे वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम द